रुद्रप्रयाग की अलकनंदा नदी के तट पर विराजमान कोटेश्वर महादेव का मंदिर आदिकाल से यहाँ स्थित है। यहाँ पर सावन माह में दूर दूर से लोग जल चढ़ाने और जप पाठ करने आते हैं। मान्यता है कि सावन मास में जो भी भक्त यहाँ पर आराधना करते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं कोटेश्वर में प्रसिद्ध शिव गुफा और जलकुंड का अपना बड़ा ही महत्व है। आपको बता दें कि सावन के पहले सोमवार को कोटेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही रुद्रप्रयाग जिले के साथ साथ श्रीनगर चमोली से भी भक्त यहां पहुंचे हैं। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। कोटेश्वर महादेव में और स्कंद पुराण के केदारखंड में भी इसकी वर्णना है। भस्मासुर की इतिहास है। पंच पांडु ने जब शिव जी को ढूंढने यहाँ आया था तो इस प्रकार यहाँ कोटेश्वर गुफा में भी उन्होंने विराज किया। चातुर्मास में हमेशा भगवान शंकर का और भगवान नारायण का किसी का भी भजन पूजन करना अति उत्तम है। यहाँ कोटेश्वर महादेव तीर्थ की बात है। कोटेश्वर महादेव में आने से जनता को जो है, ये भक्त को जो है, एक कोटि शिवलिंग पूजने का पूर्ण फल मिलता है।